रियासत तेलंगाना के 33 अजला के 139 मराकज पर हफ्ते के रोज टीका अंदाजी का आगाज हुआ। रियासत के 99 सरकारी और 40 निजी मराकज पर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम रहा। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए टीका अंदाजी के इंतजामात का जायजा लिया। पहले मरहले में टीका अंदाजी के लिए जिन अफराद की निशानदेही की गई थी उन्हें मराकज पर पहुंचने की इतला कर दी गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का वर्चुअली आगाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी अस्पताल सिकंदराबाद और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नारसिंगी से ऑनलाइन राब्ता कायम करते हुए टीका अंदाजी का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ वर्कर से बातचीत भी की। श्रीनिवास राव ने बताया कि हर मरकज पर टीका अंदाजी के माहिर के अलावा सीनियर डॉक्टर्स को मुतयन किया जा रहा ताकि वैक्सीन से रिएक्शन की सूरत में फौरी इलाज किया जा सके। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने अहदेदारों के साथ टीका अंदाजी के इंतजाम का जायजा लिया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने ऐलान किया था कि वो पहला टीका खुद लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई वर्कर को पहला टीका देने की बात कही। मराकज पर खसूसी कोल्ड स्टोरेज की सहूलत फराहम की गई। 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका अंदाजी की तरबियत दी जा चुकी है। रियासत में तकरीबन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स जिनका ताल्लुक सरकारी और निजी शोबे से है उन्हें पहले मरहले में टीका अंदाजी में शामिल किया गया। टीका अंदाजी के पहले दिन 4,000 हेल्थ वर्कर्स का इहाता किया गया। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत की थी कि कोरोना मुतासिम के इलाज में मसरूफ हेल्थ वर्कर्स को तरजीह दी जाए। हफ्ते में 4 दिन तक टीका अंदाजी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इतवार को छोड़कर बाकी अयाम में दीगर अमराज के शिकार अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी।